अभी तक यह माना जाता था कि वास्कुलिटिस और गठिया रोग से जुड़ी बीमारियां धीरे धीरे शरीर में घर करती हैं, इसमें इमरजेंसी की नौबत नहीं आती, जबकि यह धारणा गलत है। वास्कुलिटिस और गठिया रोग में आने वाली इमरजेंसी कंडीशंस के लिए डॉक्टर्स को जागरूक करने एवं नवीनतम तकनीक और इलाज के लिए तैयार करने के उद्देश्य से देश में पहली बार इस विषय पर इंदौर में कॉन्फ्रेंस हुई। रविवार को होटल मैरियट में हुई कॉन्फ्रेंस में देश भर के 300 से अधिक डेलीगेट्स और 18 एक्सपर्ट्स ने भाग लिया। कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर सौरभ मालवीय ने बताया कि गठिया 200 प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में लोगों को पता तक नहीं होता है। कॉन्फ्रेंस के जरिए हमने इनके प्रकार और उनके लक्षण और निदान पर चर्चा की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इंदौर और एसोसिएशन ऑफ ऑर्थोपेडिक सोसाइटी इंदौर द्वारा कराए जाने वाली इस कॉन्फ्रेंस से बच्चों में होने वाली गठिया बीमारी, गर्भावस्था के दौरान जोड़ों में होने वाली समस्याओं और सभी प्रकार के रोगों पर एक्सपर्ट्स ने चर्चा की। डॉक्टर रोहिणी हांडा ने मुख्य विषयों पर प्रकाश डाला। इस तरह की कॉन्फ्रेंस से निश्चित ही मेडिकल जगत को काफी फायदा मिलेगा। The TNF inhibitors using them quite a bit. We have used more than 60 patients now. Company 2, keep on repeating Company 2. There is the innovator still available. But आज के कॉन्फ्रेंस से वास्कुलाइटिस एंड रूमेटोलॉजिकल इमरजेंसीज के ऊपर गठिया बाई में इमरजेंसी हो सकती है ये किसी को पता भी नहीं है, तो पूरी कॉन्फ्रेंस आज इसके ऊपर है। सिर के लिए सिर से लेकर बाल तक, पैर पाँव तक कुछ भी हो सकता है, आँख से अंधे हो सकते हैं, लकवा हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट फूल सकता है, पैरों पे चकत्ते आ सकते हैं, गैंग्रीन हो सकता है, आँख से अंदर सडन अंधा हो सकता है, ये वास्कुलाइटिस में होता है। इसकी जानकारी नहीं है किसी को भी, इसको इसके सिम्टम को कैसे पहचाने, इसको इलाज कैसे करें, ये इस पर हम ध्यान दे रहे हैं। तो इसके लिए ये सेमिनार रखा गया है और इंडिया के तमाम बड़े बड़े रूमेटोलॉजिस्ट CMC वेल्लोर से, पीजीआई चंडीगढ़ से, लखनऊ से, सब जगह से स्पीकर्स आए हैं, अपोलो दिल्ली से, मेदांता गुड़गांव से, इन सब के बारे में, पुणे से, मुंबई से। मुख्य वक्ता के रूप में मुख्य वक्ता डॉक्टर डॉक्टर रोहिणी हांडा, डॉक्टर राजीव गुप्ता, डॉक्टर एस एन अमीन, डॉक्टर देबाशीष डांडा, डॉक्टर सुमित अग्रवाल, बच्चों के उसमें डॉक्टर सुजाता शवाने, एक वास्कुलाइटिस होती है अनका वाली, उसमें अमन शर्मा, ये सब मुख्य स्पीकर्स रहे हैं। और अभी तक तो बहुत अच्छा रहा है, 300 से ऊपर डॉक्टर्स ने अटेंड कर लिया है ऑलरेडी अभी तक, और भी आने की उम्मीद है, और ये बहुत सक्सेसफुल रहेगा और नया नया आई ओपनर रहेगा पूरे डॉक्टर्स ऑफ मध्य प्रदेश के लिए कि ये ऐसा भी होता है। सबकी जागरूकता, सबकी जानकारी ये इस फील्ड के बारे में अच्छी होगी, और मैं बहुत बधाई देता हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ इंदौर के डॉक्टर्स को, जो जिन्होंने अपना समय निकाला और आए और सुना इन चीज़ों को,